नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी जहाजों को खदेड़ते हुए पीओके में पहुंच गए थे। पाकिस्तान सोच रहा था कि अब भारत थोड़ा डर जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि ये भारत है और 56 इंच का सीना लिए प्रधानमंत्री सामने खड़ा है। भारत का जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल खड़ा है, जिसकी बाज जैसी नजर है और प्लान ऐसा है कि दुश्मन सपने में भी उसका तोड़ ना निकाल पाए। याद होगा जब हमारा जवाब अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में था और भारी दबाव के बाद महज एक दिन के बाद ही पाकिस्तान ने उसको रिहा करने का ऐलान भी कर दिया था। इस दबाव की कहानी तो खुद पाकिस्तानी संसद में गूंजी थी, सुनिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सुना आपने, पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, इतना दबाव था पाकिस्तान के ऊपर। पर ये दबाव ऐसा ही नहीं था, इसकी इनसाइड स्टोरी भी सुन लीजिए। दरअसल उस समय जब पाकिस्तानियों के कब्जे में अभिनंदन की लहूलुहान तस्वीरें सामने आई तो हर भारतीय के जज्बात उबाल मारने लगे। ये तस्वीर प्रधानमंत्री ने भी देखी। तस्वीर देखने के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश भिजवाया था, विंग कमांडर को तत्काल रिहा करो। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को संदेश था, हमारे हथियारों का जखीरा दिवाली के लिए नहीं रखा गया है। और ये कड़ा संदेश पाकिस्तान को भी भलीभांति समझ में आ गया होगा। यही वजह है कि अगले ही दिन 28 फरवरी को इमरान खान को संसद में उनकी रिहाई का ऐलान करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इसे अमन का पैगाम बताया था, सुनिए आप। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान वापस। हालांकि पाकिस्तान इसे अमन का पैगाम बताता रहा, लेकिन सच ये भी है कि उनके पैर कांप रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जब इंडियन पायलट को लहूलुहान और उन्हें बंधक बनाने वालों के मुस्कुराते चेहरों वाली तस्वीरें और वीडियो देखी, तब उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ अनिल धस्माना को कहा कि पाकिस्तान को साफ साफ संदेश भेजा जाए कि अगर अभिनंदन की तत्काल रिहाई नहीं हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। पीएम मोदी का पाकिस्तान के लिए संदेश था, हमारे हथियारों का जखीरा दिवाली के लिए नहीं है। पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि भारत कोरी धमकियां नहीं देगा। अमन के रास्ते पर चलने वाले भारत का रुद्र अवतार कभी भी सामने आ सकता है। इससे पहले कि तीसरी आंख खुले और जलजला आ जाए, झुकने में ही समझदारी है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रॉ चीफ धस्माना ने तत्कालीन ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सईद असीम मुनीर अहमद शाह को फोन मिलाया और साफ साफ लफ्जों में पाकिस्तान को भारत का संदेश सुनाया। संदेश इतना साफ और सख्त था कि मुनीर भी चौंक गए। रॉ चीफ ने 2 टूक कह दिया था कि अब इस्लामाबाद के ऊपर है कि वो क्या चाहता है, अगर पायलट को खरोंच तक आई तो नतीजे गंभीर होंगे, उन्हें बिना किसी नुकसान के तत्काल छोड़ा जाए। जाहिर है इस फोन कॉल के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचना लाजमी था, अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ चुकी थी। इधर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए तैयारियां शुरू कर दी थी। सेना को राजस्थान सेक्टर में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों को हर पल तैनात रखने का आदेश दिया जा चुका था। इस बात से पाकिस्तान में टेंशन तो थी ही, अमेरिका में भी हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के अधिकारियों में बेचैनी बढ़ी हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन ISI चीफ मुनीर ने 28 फरवरी की सुबह रॉ चीफ को एक सीक्रेट लेटर लिखा, जिसमें अभिनंदन को रिहा करने के फैसले की जानकारी दी गई थी। लेटर के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई। बाद में उसी दिन इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया और 1 मार्च को अभिनंदन मूछों पर ताव देते हुए भारत वापस आए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।